जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपका सिलेक्शन सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर किसी भी रैंक पे टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जीडी में, एचसीएम में, किसी भी पोस्ट पे हो जाता है तो आपका सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इन सभी फोर्स में सिलेक्शन होने के बाद में मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए क्या सुविधाएं मिलती हैं आपके लिए, अपने परिवार के लिए, जैसे परिवार में माता पिता, भाई बहन, आपकी बीवी है, क्योंकि मेडिकल की जो एक प्रॉब्लम है ये लगभग क्या है, इंसान को अपनी लाइफ में सभी को जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि आजकल का जैसे क्या है कि बीमार होना, छोटी मोटी चीज़ें बीमारी होना, कोई बड़ी बीमारी होना, लगभग हर फैमिली मेंबर में किसी न किसी के तो प्रॉब्लम मिल ही जाती है, आज नहीं तो कल कभी न कभी तो प्रॉब्लम होती है, इंडिविजुअल को हो जाएगी, फैमिली मेंबर को हो जाएगी। तो उसके लिए क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, हमको प्राइवेट में अगर ट्रीटमेंट करना है तो क्या सुविधाएं हैं, गवर्नमेंट में ट्रीटमेंट के लिए क्या सुविधाएं हैं, कैंप के अंदर कैसे हॉस्पिटल होते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर अगर आप भर्ती हो जाते हैं तो इसके अंदर आपको एक तो सबसे पहले जो मैं सुविधा की बात करूं वो मिलती है आपको सीजीएचएस कार्ड की सुविधा मिलती है। तो सीजीएचएस कार्ड जब आप भर्ती हो जाते हैं, भर्ती होने के बाद में अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे क्षेत्र के अंदर है जहाँ पे सीजीएचएस कार्ड की फैसिलिटीज है तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है आप अपना सीजीएचएस कार्ड बनवा लें। सीजीएचएस कार्ड की सुविधा सेम यह है कि क्योंकि जैसे आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में, आपके गांव में आप रहते हैं जहां पे सीजीएचएस कार्ड की सुविधा नहीं है तो वहां पे कार्ड बनना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन जब आप किसी क्षेत्र में ऐसी जगह पर जैसे आपकी ड्यूटी दिल्ली के अंदर आ गई तो वहां पे अपनी ड्यूटी पहले इसके आप अपनी लोकेशन शो करके आपका सीजीएचएस कार्ड आसानी से बन जाता है। फिर जब आपका सीजीएचएस कार्ड बन जाता है तो उसमें आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन होता है, आपका पर मंथ सैलरी से लगभग 250 रुपये के समथिंग कटता है, एएसआई रैंक से कम का। उसके बाद में आपके जितने भी आपके डिपेंडेंट मेंबर हैं, आप हैं, आपके मदर फादर हैं, आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, उन सभी के ट्रीटमेंट के लिए आपको सीजीएचएस की सुविधा मिल जाती है। सीजीएचएस कार्ड का कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है, इसके संबंध मैंने वीडियोस बना रखा है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे मेन सुविधा तो आपकी सीजीएचएस की हो गई, आपको हर महीने कंट्रीब्यूशन करके इसमें आपको मतलब जो भी सीजीएचएस के अंदर पैनल में जितनी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर आप जा सकते हैं, इसके अंदर आपको ओपीडी का कोई चार्ज नहीं लगता। इसके अलावा आपको जो दवाइयाँ होती हैं, जो सीजीएचएस की जो डिस्पेंसरी बनी होती है उनके अंदर आपको दवाइयाँ मिल जाती हैं, और जो बड़े से बड़े ऑपरेशन भी होते हैं बिल्कुल निम्न न्यूनतम रेट में आपकी सुविधाएं इसके अंदर मिल जाती हैं। तो एक तो सुविधा मिलती है, आप सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के अंदर भर्ती हो गए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी कर्मचारियों को मिलती है। तो आप अगर सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में भर्ती हो जाते हैं तो आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी रहते हैं तो ये आपके लिए भी ये सुविधा बन जाती है। तो सबसे नंबर वन तो हो गया आपके लिए सीजीएचएस कार्ड। दूसरी बात होती है जैसे छोटी मोटी बीमारी के लिए, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, खांसी बुखार जुकाम जैसे नॉर्मली चीज़ें होती हैं, इनके लिए हर जैसे आप जहाँ पे आपकी ड्यूटी रहेगी वहाँ पे यूनिट लेवल के ऊपर हर यूनिट के अंदर एक छोटे से हॉस्पिटल बने रहते हैं जिसके अंदर एक डॉक्टर रहता है, सीएमओ जिसको बोला जाता है या एसएमओ जिस भी रैंक होगी उसकी, तो वो डॉक्टर रहता है उसको छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए। वहाँ पे आपके हर यूनिट के अंदर लगभग आपको ब्लड टेस्ट वगैरह की सुविधाएं, छोटी डिस्पेंसरी भी होती है, दवाइयाँ भी मिल जाती है आपको फ्री में, उसमें आपको ना किसी प्रकार के कोई पर्ची का पैसा लगता है ना किसी प्रकार दवाई का पैसा लगता है। जो दवाइयाँ आपके जो कैंप के अंदर आपकी फोर्स के अंदर अवेलेबल होती है वो आपको फ्री मिलती है, इंजेक्शन हो गया जी, डॉक्टर की फीस आपको कुछ नहीं लगती है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आपको वहाँ से ये सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा आप अगर सीजीएचएस कार्ड के पैनल में भी आपका कोई हॉस्पिटल नहीं है या फिर आप कैंप के अंदर भी नहीं है तो इसके लिए आप जैसे छुट्टी के दौरान है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है फैमिली में, किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है तो आप जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल आपको जाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो जाता है इमरजेंसी में तो उसको आप क्लेम भी कर सकते हैं। उस मेडिकल क्लेम को आप अपनी बटालियन में आके क्लेम पूरे डॉक्यूमेंट लगा के आप दावा करते हैं तो सीजीएचएस कार्ड का जो रेट होता है उसके हिसाब से आपको जो पैसा जितना आपका लगता है वो पैसा आपको वापस मिल जाता है। इसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, जब आप फोर्स के अंदर जॉब करेंगे तो आपको पता चल जाए कौन कौन सी कंडीशंस में आप कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट ले सकते हैं, उसके अंदर क्या प्रोसेस होती है। उसके अंदर एक तो ये प्रोसेस होती है कि आपको सरकारी डॉक्टर से रेफर करवाना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब वो मान्य होता है, या फिर इमरजेंसी सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ता है कि इमरजेंसी में हमने इसको एडमिट करवाया है, वहाँ पर कोई सरकारी हॉस्पिटल की सुविधा अवेलेबल न होने के कारण प्राइवेट में एडमिट करवाया, इमरजेंसी सर्टिफिकेट लगाते हैं तो आपका वो मेडिकल क्लेम जो होता है वो पास हो जाता है। इसके अलावा
जैसे CRPF वगैरह है, हर फोर्स में लगभग एक कैशलेस ट्रीटमेंट की प्रोसेस होती है। जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल से लगभग सभी फोर्स का अलग अलग हॉस्पिटल से टाई अप होता है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल से जब टाई अप होता है तो आपकी यूनिटिव के वगैरह के अंदर बता दिया जाता है कि भाई इस सिटी के अंदर इस प्राइवेट हॉस्पिटल से, जैसे हम CRPF की बात करूँ तो CRPF का जिस मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल से टाई अप होता है कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका मैसेज सभी जगह बताया जाता है कि इस हॉस्पिटल में आप कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं जो CRPF के जवान हैं। तो उस हॉस्पिटल के अंदर आप जाके, जैसे आप अपने गवर्नमेंट जो डॉक्टर होते हैं उनसे आप रेफरल करके करवा के आप कैशलेस ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं उस हॉस्पिटल के अंदर। आपको किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है, अगर कुछ चार्ज लगता है भी तो आपका क्लेम हो जाता है। वो कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ हॉस्पिटलें अर्थात में पैनल में जुड़ी होती हैं, तो उनके अंदर भी आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा अभी वर्तमान में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आयुष्मान कार्ड की सुविधा दे रखी है, अभी सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स के सभी जवानों को CAPF आयुष्मान कार्ड की सुविधा है, जिसके अंदर आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जितनी भी हॉस्पिटल्स आती हैं उसके, जैसे CGHS पैनल में, आयुष्मान पैनल में, सब में अलग अलग सिस्टम है। तो जैसे आयुष्मान कार्ड के पैनल में जो जो हॉस्पिटल्स आती हैं उनके अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के अंदर में कौन कौन सी हॉस्पिटल्स हैं आपकी सिटी के अंदर, तो आप लगभग सभी फोर्स की वेबसाइट पर जाएंगे तो हर फोर्स की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। CRPF की वेबसाइट पर जाएंगे तो CRPF की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी कि आयुष्मान कार्ड के अंदर कौन कौन सी हॉस्पिटल आती हैं आपकी सिटी के अंदर, जो भी हॉस्पिटल है उसके अंदर आप करवा सकते हैं। और ये जो सुविधाएं होती हैं ये आप अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, परिवार में जो आपके डिपेंडेंट होते हैं, जैसे आप मम्मी पापा, आपकी वाइफ और बच्चे, अगर आपके भाई और बहन जैसे कम एज के हैं, कुंवारे हैं, शादी नहीं हुई है, तो वो भी आप पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जब आपकी बहन की शादी हो जाती है वो डिपेंडेंट नहीं रहती है, इसके अलावा आपका भाई की भी एज ज़्यादा हो जाती है तब भी वो डिपेंडेंट नहीं रहता है। तो आपको मैंने बताया है मेडिकल की सुविधाओं के लिए ये सुविधाएं मिलती हैं आपको। मेडिकल के लिए सबसे बेस्ट जो मैंने ऑप्शन बताया, जब आप भर्ती होते रहे, अगर आपको कहीं सुविधा ऐसी जगह पे पोस्टिंग रहती है, सबसे बेस्ट आपका CGHS कार्ड अगर बनता है तो आप CGHS कार्ड बनवा लें। इसके अलावा आपको जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह के अंदर कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा भी मिलती है। उसके अलावा आप अपने जो दवाई वगैरह कोई भी ट्रीटमेंट करवाना पड़ जाता है इमरजेंसी मजबूरी में, तो उसके आप लाके पूरे डॉक्यूमेंट को आप डिपार्टमेंट में जमा करते हैं तो आपका वो जो दावा होता है उसका अमाउंट आपको CGHS रेट पे मिलता है। पूरा रेट नहीं मिलता है, CGHS रेट होता है वही रेट पे आपको मिलता है। इसके अलावा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए कैंप के अंदर आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो चाहिए आप जैसे फैमिली साथ में रखे तो आपके परिवार के हो, चाहे मतलब मम्मी पापा, भाई बहन, आपका जो भी परिवार का सदस्य होगा वो भी उस हॉस्पिटल से दवाई ले सकता है। इसके अलावा जैसे हम CRPF की वगैरह की बात करें तो ग्रुप सेंटर लेवल के ऊपर DIG मेडिकल, IG मेडिकल लेवल के डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पे आपको हर प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। 50 बेड के, 25 बेड के, 100 बेड के हॉस्पिटल बने हुए हैं CRPF के अंदर भी, और फोर्स शाइन के अंदर भी जो इनके बड़े हाई ऑफिस होते हैं उनके अंदर, जिससे ज़्यादा यूनिट उनके अंडर में काम करती है, वहाँ पे बड़े हॉस्पिटल्स की सुविधा भी रहती है और यूनिट लेवल के ऊपर छोटी हॉस्पिटल्स की सुविधा रहती है, तो उनके अंदर भी आपको छोटे मोटे ट्रीटमेंट वगैरह हो जाते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। आपको किसी प्रकार का कोई बेड चार्ज, कोई दवाई का चार्ज कुछ भी नहीं लगता। अगर आपकी प्रॉब्लम ऐसी है कि इसी हॉस्पिटल में अगर समाधान हो जाता है आपका या आपके परिवार का किसी का भी, तो आपको इन हॉस्पिटल्स के अंदर आपका किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है। तो क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं मेडिकल के संबंध में, जहां तक मेरा विचार है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद।